हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2019 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। अगर हम 2019 का पेपर देखें तो हम पाएंगे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरनमेंट का वेटेज 20 क्वेश्चन का था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड करंट अफेयर्स से एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस 11 पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमारा सभी पर इक्वल फोकस होना चाहिए। अगर हम इसका फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें और डिफिकल्टी लेवल के आधार पर अगर क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 54 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मीडियम कैटेगरी के थे एंड 21 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन वो हैं जिनको एक सिंसियर कैंडिडेट जिसने ठीक ठाक मेहनत की है वो आराम से कर लेगा। वही मीडियम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सॉल्व तो कर लेंगे बट आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन वो हैं जिनमें या तो आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको वो आते ही नहीं है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हर साल प्रीलिम्स में ऐसा ही होता है कि 50% क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं एंड अगर आप 3-4 साल का कट ऑफ देखेंगे तो वो भी 100 के आसपास ही जाता है, बट फिर भी लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी निगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा हो जाती है, जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं उनमें हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, और तीसरी जो वजह है वो ये है कि हमारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और इन सब गलतियों को आप दूर कर पाएंगे। अगर हम सोर्स के आधार पर क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि 41 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी या फिर जो हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक से उनको पढ़ के आप सॉल्व कर सकते थे, जबकि 42 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे गए थे एंड 17 क्वेश्चन रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। दोस्तों, हम रैंडम सोर्सेस से आए हुए क्वेश्चंस को कभी भी तैयार नहीं करते हैं, हमारा फोकस एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स पे ही होता है, और अगर हम इन दोनों चीजों को कवर कर लेते हैं तो हम आराम से 80% क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और इतना हमारे लिए काफी होता है प्रीलिम्स को पास करने के लिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे लिए एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 52 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, वहीं 48 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट था। अब दोस्तों, इस चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा क्या है कि अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कामयाब होते हो तो आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सही कर पाओगे, और नुकसान इसमें यह है कि आपको टॉपिक्स की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, पर्सनली मुझे मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सही कर सकते हो। अब अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें से 9 क्वेश्चन आसान थे, 2 मीडियम थे और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी के थे एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, पॉलिटी में हमेशा यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन आसान होते हैं, आप आराम से इनको सही कर सकते हो और आपको एनसीईआरटी एंड लक्ष्मीकांत की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं इसको समराइज करूं तो पॉलिटी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी का होलिस्टिक कवरेज करना होगा, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और इस बार कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे कि सोशल कैपिटल क्या होती है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े सवाल पूछे गए थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि राइट टू मैरी पे क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे तीनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, 5 क्वेश्चन आसान थे, 3 क्वेश्चन मीडियम थे और 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे
एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा यही देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, और उसमें से भी मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि डीएनए आरएनए, उसके अलावा एलटीई वोल्टे पे क्वेश्चन पूछा गया था, देन डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन पूछे गए थे, देन ब्लैक होल्स कैस 9 इन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा फोकस टेक्नोलॉजी पे उसकी एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। एनवायरमेंट से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर भी तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। 8 क्वेश्चन आसान थे, 10 क्वेश्चन मीडियम थे एंड 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो इसका मतलब थोड़ा सा टफर साइड में था एनवायरमेंट का पेपर। एंड यहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्टैंडर्ड बुक जो कि शंकर आईएएस है या एनसीईआरटी उससे पढ़ के आप सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों इस बार ये देखने में आया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस गवर्नेंस इश्यूज पे पूछे गए थे, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसका क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि पायरोलिसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, एरोसोल पे क्वेश्चन पूछा गया था। एंड हमेशा ही नेशनल पार्क एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उस पर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। इकोनॉमी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन आसान थे, 2 क्वेश्चन मीडियम थे एंड 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। इनमें से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के बेसिस पे पूछे गए थे, जबकि 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इकोनॉमी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, फंडामेंटल टॉपिक्स पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक पर क्वेश्चन पूछा गया था, मनी मल्टीप्लायर पर क्वेश्चन पूछा गया था, परचेस पावर पेरिटी पर क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, करेंसी क्राइसिस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी अच्छे से कवर करना है, साथ ही साथ जो फंडामेंटल टॉपिक्स है उनकी भी अच्छी तैयारी हमें करनी होगी। देन ज्योग्राफी से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आसान थे, 1 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का था एंड 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। इसका मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े टफर साइड में थे। अगर हम सोर्स के बेसिस पर देखें तो 4 क्वेश्चन मैप पे एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक से आप सॉल्व कर सकते थे, करंट अफेयर के बेसिस पे 2 सवाल पूछे गए थे एंड रैंडम सोर्सेस से भी 2 सवाल पूछे गए थे। दोस्तों इस बार ज्योग्राफी के सेक्शन में मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे कि ग्लेशियर और उससे जुड़ी हुई रिवर उसको हमें मैच करना था, इंपॉर्टेंट सिटी एंड रिवर को हमें मैच करना था, देन सी एंड उसकी बॉर्डरिंग कंट्री को हमें मैच करना था। तो इस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, तो इसकी हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। वहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल क्लाउड पे क्वेश्चन पूछा गया था, 21 जून पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें दोनों ही चीजों पे फोकस करना होगा। वहीं हिस्ट्री में चारों ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एंशियंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मिडाइवल से 5 क्वेश्चन पूछे गए एंड मॉडर्न से 6 क्वेश्चन पूछे गए। फ्रेंड्स काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि मिडाइवल इंडिया को स्किप कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, बट आप देखिए कि यूपीएससी आजकल मिडाइवल इंडिया से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों आप प्लीज इसको अवॉइड मत कीजिएगा, इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। एंशियंट इंडिया से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आसान थे और ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन की अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो चीजें अक्सर हम छोड़ देते हैं उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वही आर्ट एंड कल्चर से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये दोनों क्वेश्चन ही आसान थे, जिससे आप एनसीईआरटी या फिर नितिन सिंघानिया बुक पढ़ के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन बुद्धिज्म पे पूछा गया था और दूसरा कल्याण मंडपा पे पूछा गया था। वही मिडाइवल इंडिया से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें से 2 क्वेश्चन आसान थे, 3 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के थे। अगर हम सोर्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ के आप सॉल्व कर सकते थे। इस बार मिडाइवल में काफी बारीक चीजें पूछी गई, जैसे कि जमींदार और जागीरदार में क्या डिफरेंस है, मीर बख्शी इकता सिस्टम इस पे क्वेश्चन पूछे गए, तानसेन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा मिडाइवल में पेंटिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, देन निम्बार्क अकबर एंड कबीर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मीन्स ये जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडाइवल इंडिया के लिए।
मॉडर्न इंडिया से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसा कि हमेशा हम देखते आए हैं 5 क्वेश्चन आसान थे, 1 क्वेश्चन मीडियम था। दोस्तों हिस्ट्री में सबसे आसान सेक्शन है मॉडर्न इंडिया, और इसके लिए एक ही सोर्स से आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एनसीईआरटी पे भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। 11 क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर से पूछे गए थे, इनमें से 4 क्वेश्चन आसान थे, 3 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के थे एंड 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। अब बात आती है कि इस पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रीलिम्स का सिलेबस हमारे टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा सारे टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे ही सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम किसी को भी मिस नहीं कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन हमें अच्छे से पढ़नी होगी। इसके अलावा करंट अफेयर को भी हम मिस नहीं कर सकते हैं, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आपको करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करनी होगी, और जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको इंटरनेट का यूज करना होगा। जो भी की टर्म आपको देखने को मिलती है उसको आप सर्च कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उस पे आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों की समस्या होती है कि उनके नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा हो जाती है या फिर सिली मिस्टेक्स वो कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को मेरा सजेशन होगा कि आप मॉक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर लगाते हैं तो 3-स्टेप स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा। मीन्स आपको पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड वो होगा जिसमें आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को लगाएंगे जो आपको 100% आते हैं। सेकेंड राउंड वो होगा जिसमें आप मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस को लगाएंगे एंड थर्ड राउंड वो होगा जिसमें आप डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो वो क्वेश्चन वो होगा जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी का होगा, और इस तरह से आपके नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।